स्वागत है आपका फिर से। यहाँ पर मैं देखिए लेके आया हूँ मोर देन 2000 सॉल्व एमसीक्यू। ये मेरी एक न्यू सीरीज़ है जिसे मैं किसी दूसरे नाम से पब्लिश करूँगा, तो डोंट वरी, जो लोग नए हैं बेटा सब्सक्राइब करें और इस तरह की काफ़ी प्लेलिस्ट आपको पड़े मिल जाएगी जहाँ पर सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी के अलावा और कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स योर PhD एंट्रेंस, MS साइकोलॉजी या फिर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट है, BSc, MSc, BEd, MEd, जिसमें भी रिसर्च मेथडोलॉजी आती है वहाँ पर आप इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिना लेट के सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीधा अपना पार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे वो बोल रहा है क्या कि हाइपोथेसिस रिफर्स टू, हाइपोथेसिस हम किसे रिफर्स करते हैं? तो बेटा याद रखना, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं होता हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग बाद में लगाते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं। अ फॉर्म ऑफ बायस इन विच सब्जेक्ट ट्राइज टू आउटगो इज द एक्सपेरिमेंटर बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ऑप्शन है टेंटेटिव, आपके टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। हम जो काम करने वाले हैं उसका टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है कि हम रिसर्च में आगे क्या करेंगे, वो होता है हमारा स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, स्टैटिक्स इज यूज बाय रिसर्चर्स टू। देखिए स्टैटिक्स का यूज़ क्या होता है रिसर्च में, तो स्टैटिक्स का एक ही रिसर्च होता है, एक ही यूज़ होता है, वो एनालाइज करता है एम्पिरिकल डेटा कलेक्टेड इन स्टडी। कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है एम्पिरिकल फॉर्म में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में जो हमें मिला है उसको हम एनालाइज करेंगे, रिलेट करेंगे, उसके लिए हमें स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनालाइज द एम्पिरिकल डेटा कलेक्टेड इन द स्टडी। नेक्स्ट पूछता है आपसे, अ लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर। भाई लिटरेचर रिव्यू क्या रिक्वायर करता है, तो ये याद रखना है भैया, प्लानिंग बिल्कुल, क्योंकि हम किस चीज़ पर रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है। गुड एंड क्लियर राइटिंग, बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई आपका राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। एंड लॉट ऑफ री राइटिंग, क्योंकि अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो तो आपको कई बार उसे लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स हर चीज़ रिक्वायर्ड होती है, प्लानिंग भी रिक्वायर्ड होगी, क्लियर राइटिंग भी रिक्वायर्ड होगी और लॉट ऑफ री राइटिंग, क्योंकि आप कई बार लिखोगे, कई बार सही करोगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, अ लिटरेचर रिव्यू इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन दैट। अ लिटरेचर रिव्यू इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन दैट, भाई कौन सी, देखिए जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो हम क्या सोच कर क्या एज्यूम करते हैं, कि कॉपी फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर बिल्कुल भी नहीं करते, कॉपीराइट लग जाता है, ये प्लैगरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। नॉलेज एक्यूमुलेट एंड लर्न फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर्स, सीधी सी बात है, हम नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं और लर्न करते हैं कि अदर्स ने जो किया है वो क्या क्या किया है और हम आगे इसके क्या करने वाले हैं। यही चीज़ हम लोग लिटरेचर रिव्यू में हमेशा एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे आपसे कि अथियोटिकल फ्रेमवर्क, अथियोटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, कि जब हम कोई थीसिस लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, या थियोटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। एलेबोरेट आर और एस अमंग द वेरिएबल, बिल्कुल हम यहाँ पर जो भी क्या करेंगे, एलेबोरेट करेंगे, जो भी हमें वेरिएबल मिलेंगे उनके बीच में रिलेशन से बनाएंगे। एक्सप्लेन द लॉजिक अंडरलाइंग दीज आर और एस, भाई यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि किस वजह से ये इस तरीके से आ रहे हैं। और डिस्क्राइब द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ आर, दैट मीन्स अगर हम कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो वहाँ पर हम एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे उनके नेचर्स को, उनके लॉजिक को, उनके वेरिएबल्स को। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव हमारा सही हो जाएगा। देखो वीडियो बहुत लंबी भी जा सकती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेकर जाऊंगा, आपको 10 मिनट के अंदर, मतलब कोशिश करूंगा मैं 10 मिनट में ही ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन होंगे मैं उतने ही कराऊंगा, नेक्स्ट छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देखिए नॉट ट्रू वर्ड जब आ जाता है, जब नॉट आ जाता है तो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन में घुमा रहा है। देखिए जैसे अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट, बिल्कुल भी नहीं होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये आपका एक प्लान ऑफ वर्क होता है कि जो हम प्लान करेंगे, ना कि प्रोजेक्ट। अ रिसर्च प्रपोजल सो दैट द रिसर्चर इज कैपेबल ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, बिल्कुल भी नहीं कह सकते भाई हम जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि रिसर्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ये तो पर्टिकुलर वर्क होती है कि वो कैपेबल है या नहीं है, ये बाद में डिसाइड होगा। नेक्स्ट बोल आपसे कि रिसर्च प्रपोजल इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्लान्ड प्रोजेक्ट है, जिसको हम वर्क थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और स्टैटिक्स के थ्रू एनालाइज करके बाद में इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे या थ्योरी में इसे कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं वीडियो में फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसको लास्ट मिनट में भी अगर रिसर्च स्टडी करना चाहे तो वो कर सके। नेक्स्ट बोल रहा है अ प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी, भाई फर्स्ट की बात करें, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट क्या होता है रिसर्च मेथड का, सक्सेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, किस में बोल रहा है ये चीज़ याद रखना है। बोल रहा है आपसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी। देखिए चारों की मैंने थियोरेटिकल वीडियो आपको डाल रखी है चैनल पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो इसकी वीडियो के लिए चेक कर सकते हो आप, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो इनके बारे में सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि भाई बात बोल रहा है प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन करते हैं जब हम कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जब करते हैं तभी हम लोग प्रिलिमिनरी डेटा के बारे में करते हैं। जैसे हिस्ट्री में होता है भाई, हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि भाई ढूंढा जाता है, पता करना होता है, वही चीज़ होती है प्रिलिमिनरी डेटा। नेक्स्ट पूछा है कंडक्टिंग अ सर्वे इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ गैदरिंग। देखिए जब भी हम सर्वे करते हैं तो हमें प्राइमरी डेटा ही को कलेक्ट करते हैं क्योंकि सेकेंडरी डेटा हमारे कोई काम का नहीं होता है, ओके। हमेशा जब भी सर्वे किया जाता है तो प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल एंड एस्टैब्लिशिंग द लॉजिक रीजनिंग इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। देखिए जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बना लिए, हमने लॉजिक भी कर लिए, अब हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी बन चुका है। जब हमारी ये तीनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं अब हम कैपेबल हो जाते हैं हाइपोथीसिस को लिखने के लिए। तो जब भी हमारा ये सब चीज़ हो जाती है, वेरिएबल आइडेंटिफाई हो गए, हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना लिया, तो अब तीसरा हमारा स्टेप सीधा यही होता है जनरेट करना हाइपोथेसिस को, ओके। तो बिना किसी चीज के आपको अपने आप ही ये ऑप्शन समझ में आने लगेंगे। द अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय, देखिए एनालिटिकल समझना है, अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय रिसर्च डिजाइन। बिल्कुल आप एनालिटिकल टेक्निक करना है तो रिसर्च डिजाइन से पता चलेगा। नेचर ऑफ द डेटा कलेक्टेड, आपने जो नेचर किया है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके नेचर पर आपका एनालिटिकल टेक्निक डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, बेटा हाइपोथेसिस तो हम बाद में बनाते हैं, अभी मैंने बताया कि ये जो हमारे वेरिएबल आ जाएंगे, हमारी फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके बाद हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो ये दोनों के लिए आपका ऑप्शन ए और बी, रिसर्च डिजाइन और आपका नेचर ऑफ डेटा कलेक्टेड, यही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपका जो है वो एनालिटिकल टेक्निक कौन सी लगेगी। चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड इन शॉपिंग मॉल्स आर नोन एज, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है पर्सनल इंटरव्यू जाकर हम ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में जाकर ले रहे हैं, तो बेटा ये मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, ये याद रखना है, मॉल इंटरव्यू नहीं है, मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पर हम पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं शॉपिंग मॉल्स में। ये नए क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा याद रखना है। व्हाट्स WATS आपकी बात, लाइन प्रोवाइड बाय द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस एट फिक्स रेट, इन दिस रिगार्ड WATS इज द एब्रिविएशन ऑफ, याद रखना है बेटा WATS वाइड एरिया टेली कम्युनिकेशन सर्विस, सीधी सी याद रखना वाइड एरिया टेली कम्युनिकेशन सर्विस होती है और यही आपके काफ़ी डिस्टेंस टेलीफोन में यूज़ होती है। ये WATS एक टेक्निक का नाम है, ठीक है, याद रखिए WATS वाइड एरिया टेली कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आजकल भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब जगहों पर यही क्वेश्चन आने लगे हैं। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच इज़ हैंडेड ओवर टू द रिस्पोंडेंट हु रीड्स द क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड द आंसर हिमसेल्फ इज नोन एज, देखिए जब हम क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के हाथ में दे देते हैं रिस्पोंडेंट के, रिस्पोंडेंट मतलब जो आंसर देगा उसके हाथ में दे देते हैं क्वेश्चन का पूरा एक पैटर्न, उसे क्वेश्चनायर बोलते हैं, है ना, उसको क्वेश्चनायर बोलते हैं, उसी के अंदर बेटा वो अपना क्या करेगा आंसर अपने देगा। तो ये सिंपल है, वैसे भी इस पर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये तीसरी चौथी बार आपका रिपीट हो रहा है, ओके। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन द सर्वे रिसर्च प्रोसेस इज, देखिए सर्वे रिसर्च प्रोसेस में मोस्ट आपका क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन द सर्वे रिसर्च प्रोसेस इज, याद रखना है सबसे बड़ा या सबसे खतरनाक चीज़ हमारी क्वेश्चनायर डिज़ाइन करना होता है भाई, क्वेश्चनायर को बनाना कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से उसे यूज करना है, यही बनाना सबसे टिपिकल होता है। तो क्वेश्चनायर डिज़ाइन सबसे महंगा पार्ट है, सबसे खतरनाक पार्ट है। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चन ज्वाइन टुगेदर, जो हम दो से ज़्यादा क्वेश्चन को जोड़ देते हैं उसे बोलते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चन। डबल बैरल्ड मतलब दो क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं, वो होते हैं हमारे डबल बैरल्ड क्वेश्चन। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है डायरेक्टली, इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई रिटर्न और कंप्लीटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल पीपल हु आर कॉन्टेक्टेड और आस्क टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, जब हम क्वेश्चन बनाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आयर्स रिटर्न, मतलब हमने जब क्वेश्चन आयर किसी को दिए, मतलब क्वेश्चन आंसर का हमने एक पूरा पेज बनाकर, हमने अपना पेपर बनाकर किसी दूसरे को दिया, अब उनमें से कितने लोगों ने रिटर्न किया, कंप्लीट किया, टोटल नंबर उनका निकालते हैं, और एलिजिबल पीपल हु आर कॉन्टैक्टेड और आस्क टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे, हम चेक करेंगे भाई हमने कितने लोगों को दिया, कितने लोगों ने कंप्लीट किया और कितने लोगों को हमने कॉन्टैक्ट किया था। इन दोनों को हम जब टोटल डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारा रिस्पॉन्स रेट निकल आता है कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया और कितने लोगों ने नहीं किया। तो ये रिस्पॉन्स रेट होता है। तो इस टू ऑप्टेन द फ्रीएस्ट ओपिनियन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट व्हेन वी आस्क जनरल क्वेश्चन बिफोर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन देन दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड, देखिए ऑप्टेन फ्रीएस्ट ओपिनियन, फ्रीएस्ट ओपिनियन का मतलब होता है ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, हम जिसे क्वेश्चन आंसर का दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, अब हम उसके फ्री ओपिनियन चाहते हैं रिस्पॉन्डेंट का। व्हेन वी आस्क जनरल क्वेश्चन, हम जनरल क्वेश्चन आस्क पहले हम उसे क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन उसे बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं और उसके फ्री ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो इसको बोला जाता है फनल टेक्निक। ये बेटा यूज़ होती है जब भी हम सर्वे रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो हमारी ये फनल टेक्निक काफ़ी यूज़ होती है, इसे फनल टेक्निक बोलते हैं। अ स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज नोन एज अ स्मॉल स्केल ट्रायल रन। देखिए स्मॉल स्केल ट्रायल रन की बात करते हैं जब हम प्लॉट टेस्टिंग करते हैं या प्री टेस्टिंग करते हैं, तो प्लॉट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसे बोला जाता है स्मॉल ट्रायल रन, मतलब पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का स्मॉल ट्रायल रन करते हैं तो वो बोलते जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा प्लॉट और टेस्टिंग दोनों आ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। देखिए फील्ड टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर शो दैट, फील्ड की बात कर रहा है, देखिए फील्ड टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर शो दैट रिस्पॉन्डेंट आर विलिंग टू कॉपरेट। हम लोग क्या करें, जब किसी फील्ड में जाते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि जिससे हम पूछेंगे वो हमें कॉपरेट करेगा, हमारे जवाबों का जो क्वेश्चन हम उसे देंगे उसका आंसर देगा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो रिस्पॉन्डेंट होगा वो विलिंग टू कॉपरेट है ना, वो कॉपरेट करे, ये हम लोग मान के चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका अ सर्विस इवैल्यूएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट कैन बी डन बाय, जब भी हम सर्विस इवेल्यूएट करना है हमें किसी होटल की और किसी रेस्टोरेंट की, तो हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन आयर, हम वहाँ पर क्या करेंगे भाई, ऑफिस अटेंडेंट से पूछेंगे तो वो तो सही बताएगा, मैनेजर से पूछेंगे तो वो बताएगा, लेकिन जब हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चन आयर्स और फिर पता करते हैं तो हमें उसके बारे में बिल्कुल सही इवेल्यूएशन आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्विस इवेल्यूएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट कैन बी डन बाय द, तो ये तो हो ही चुका है आपका, रिपीट हो गया है। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी है, ऐसे 130 मतलब मैं बोल सकता हूँ काफ़ी लंबी वीडियो है, तो इसको मैं शॉर्ट पे लाऊंगा, 20-20 क्वेश्चन करके आपको कराऊंगा जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकें। जो लोग नए हैं बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हमको लगे कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए थैंक यू।